ओम शांति। ओम शांति। कल्याण चल रही थी। यस्टरडे द वाणी वी वर डिस्कसिंग 23 नंबर के रेस्टर में सत्तर पेज पर तीसरे पेज का मध्य पत्ती सात नवासी का पैकेट लॉन्च। इन द बिगिनिंग ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द थर्ड पेज ऑन पेज नंबर 76 ऑफ द रजिस्टर नंबर 23 इज द मॉर्निंग क्लास डेटेड 25/8/89। बाप समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। द फादर एक्सप्लेन्स दैट अंटिल द डिस्ट्रक्शन हैज टेकन प्लेस यू कांट अचीव द कर्मातीत स्टेज मीनिंग स्टेज बियॉन्ड कर्मा। बल कितना भी माथा मारो नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात याद नहीं करो। यू मे सिट इन शिव बाबाज रिमेम्बरेंस ऑल द टाइम एंड रिमेम्बर नथिंग एल्स। बस बाबा लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा। यू मे सिट विद द थॉट बाबा आई विल सेट एन एग्जाम्पल ऑफ अचीविंग द कर्मातीत स्टेज बिफोर द वॉर दैट्स ऑल। ऐसा कोई निकले ऐसा ड्रामा में हो नहीं सकता। इट कैन नॉट हैपन इन द ड्रामा दैट सच पर्सन कुड इमर्ज। पहले नंबर में तो एक ही जाना है। देर इज ओनली वन हु हैज टू बिकम नंबर वन। कब बोला? वेन वॉज इट सेड? ये वाणी तो तब बोली थी जबकि ब्रह्मा बाबा जीवित थे। दिस वाणी वॉज नरेटेड वेन ब्रह्मा बाबा वॉज अलाइव। और 10 वर्ष की घोषणा की हुई थी 66 में। एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द 10 ईयर्स वॉज मेड इन 66। पुरानी दुनिया का विनाश शुरू होगा। दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस ओल्ड वर्ल्ड विल बिगिन। और नई दुनिया की स्थापना शुरू होगी। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड विल बिगिन। एक तरफ हाहाकार यमुना के कंठे पर। ऑन वन साइड देर विल बी क्राइज ऑफ डिस्पेयर ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। और दूसरी तरफ जय जयकार होगी। एंड ऑन द अदर साइड देर विल बी हेल्स ऑफ विक्ट्री। तो लड़ाई की घोषणा तो बाबा ने कर दी। सो बाबा डिक्लेयर्ड द वॉर। स्थापना की भी घोषणा कर दी। ही डिक्लेयर्ड द एस्टेब्लिशमेंट एज वेल। ये भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है। दिस वन ऑल्सो सेज आई हैव टू रैक माई ब्रेन्स सो मच। कौन कहते? हु सेज दिस? माया को और रुस्तम बन करके आती। माया कम्स इन अ मच स्ट्रॉन्गर फॉर्म बिफोर मी। बाबा खुद कहते हैं। बाबा हिमसेल्फ सेज मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठे। शिव बाबा इज सिटिंग जस्ट बिसाइड मी। तो मैं भी याद नहीं कर सकता। इवन देन आई कांट रिमेम्बर हिम। इतने बाजू में इतने नजदीक और कोई के नहीं बैठा हुआ जितना मेरे नजदीक बैठा हुआ। ही इजंट सिटिंग एज क्लोज टू एनी वन एज ही इज टू मी। किसने कहा? हू सेड दिस? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ। इवन देन आई कांट रिमेम्बर हिम। भूल जाता हूँ। आई फॉरगेट। समझता हूँ मेरे साथ बाबा है। आई फील दैट बाबा इज विथ मी। फिर भी मुझे तो याद करना है जैसे तुम करते हो। स्टिल आई हैव टू रिमेम्बर हिम जस्ट एज यू डू। ऐसे नहीं मैं तो साथ हूँ इतने ही खुश हो जाना है। इट इजंट दैट आई शुड बिकम हैप्पी जस्ट बाय थिंकिंग दैट आई एम अलोंग विथ हिम। क्यों का? व्हाई डिड ही से दिस? वो समझते हैं हम मधुबन में बाबा के पास रहे पड़े हैं। ही सेड दिस टू दोज हु फील वी आर लिविंग विद बाबा इन मधुबन। तो हम तो वही पास में हमको याद करने की दरकार नहीं। सो वी आर एनी वे क्लोज टू हिम देर इज नो नीड टू रिमेम्बर हिम। इसमें खुश होने की बात नहीं है। सो इट इजंट समथिंग टू बिकम हैप्पी अबाउट। मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो। ही टेल्स मी एज वेल रिमेम्बर मी कंटिन्यूअसली। साथ वाले तुम रुस्तम हो। यू हु आर अलोंग विथ मी आर रुस्तम मीनिंग अ हीरो। तुमको तो और ही जाती तूफान आएंगे। मेनी मोर स्टॉर्म्स विल कम टू यू। नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे? अदरवाइज हाउ कैन यू एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन? ये सब तूफान तो तुमके पास होंगे। यू विल पास थ्रू ऑल दी स्टॉर्म्स। तुमसे किसने कहा? हु सेड यू? मैं उनके इतने नजदीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूँ। आई कांट अचीव द कर्मातीत स्टेज इन स्पाइट ऑफ सिटिंग सो क्लोज टू हिम। तो फिर दूसरा कौन बनेगा? देन हु एल्स विल डू? ये मंजिल बहुत ऊंची है। दिस गोल इज वेरी हाई। रामानुसार सब पुरुषार्थ करते रहते। एवरी वन कीप्स मेकिंग पुरुषार्थ
मीनिंग स्पिरिचुअल एफर्ट अकॉर्डिंग टू द ड्रामा। बल कोई ऐसी कोशिश करके दिखाए। समवन में ट्राई दिस आउट। कैसी कोशिश? व्हाट? कर्मातीत अवस्था को पाने की। टू अचीव द कर्मातीत स्टेज। बाबा हम आग से पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर ये बन करके दिखाते। इफ समवन थिंक्स बाबा वी विल सेट एन एग्जांपल ऑफ अचीविंग द कर्मातीत स्टेज बिफोर यू। हो नहीं सकता। दिस इजंट पॉसिबल। ये ड्रामा बना बनाया है। दिस ड्रामा इज प्री डिटरमिंड। तुमको पुरुषार्थ बहुत करना। यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ पुरुषार्थ। मुख्य सारी बात है करेक्टर की। द मेन सब्जेक्ट इज ऑफ द कैरेक्टर। पुरुषार्थ जाते किसको करना है? Who has to make more पुरुषार्थ? किसको कहा? To whom was it said? तुमको। You। मैंने सामने बैठने वालों को। It refers to those who are sitting in front of him। बच्चे। The children। मतलब ब्रह्मा को जाते पुरुषार्थ? इतना नहीं करना है। It means that Brahma doesn't have to make that much पुरुषार्थ। तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। You have to make a lot of पुरुषार्थ। मुख्य सारी बात है करेक्टर की। द मेन सब्जेक्ट इज ऑफ द कैरेक्टर। ज्यादा पुरुषार्थ किनको करना पड़ेगा? हु विल हैव टू मेक मोर पुरुषार्थ? जिनके 63 जन्म में कैरेक्टर जाते बिगड़े होंगे। दोज हुज कैरेक्टर हैज बीन मोर स्पॉइल्ड इन द 63 बर्थ्स। जाते कैरेक्टर किनके बिगड़े? हुज कैरेक्टर हैज बीन स्पॉइल्ड मोर? भारत के राजाओं के या विदेशी राजाओं के? इज इट द कैरेक्टर ऑफ द किंग्स ऑफ इंडिया और ऑफ द फॉरेन किंग्स? 84 जन्म लेने वाले भारत के राजाओं के कैरेक्टर से बहुत बिगड़े। द कैरेक्टर ऑफ द किंग्स ऑफ इंडिया हु हैव 84 बर्थ्स हैज बीन स्पॉइल्ड अ लॉट। देवताओं के कैरेक्टर और कथित मनुष्यों के कैरेक्टर में कितना फर्क है? देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ द डीटीज एंड द कैरेक्टर ऑफ द सिंफुल ह्यूमन बींग्स। तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है। इट इज शिव बाबा हु मेक्स यू वाइसलेस फ्रॉम विशियस। तुमको। Whom? तुमको। You। तो अब पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़ेगा। So, now you will have to make पुरुषार्थ and remember the father। भूलो नहीं। Don't forget। बाकी अबलाएं बेचारी परवश हैं। As for the rest, the poor suppressed women are under others' control। अर्थात रावण के वश हैं। Meaning, they are under the control of रावण। तो क्या कर सकती? So what can they do? तुम हो राम ईश्वर की वश। यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड राम। और वो है रावण की वश। एंड दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ रावण। तो युद्ध चलती है। सो देर इज अ वॉर। बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती है। एज रिगार्ड्स द फिजिकल वॉर बिटवीन राम एंड रावण दैट डजंट हैपन। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते। द फादर एक्सप्लेन्स टू यू चिल्ड्रन एवरी डे इन डिफरेंट वेज। मीठे मीठे बच्चों। स्वीट चिल्ड्रन। अपने को सुधारते जाओ। कीप रिफॉर्मिंग योर सेल्फ। रोज रात को पोता मेल देखो। सारे दिन में कोई आखिरी चलन तो नहीं चली। चेक योर पोता मेल मीनिंग चार्ट एवरी नाइट। डिड आई परफॉर्म एनी डिमोनिक एक्ट इन द एंटायर डे। बगीचे में फूल नंबर वार तो होते ही। द फ्लावर्स इन अ गार्डन आर सर्टनली नंबर वाइज मीनिंग दे हैव फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी एट डिफरेंट लेवल्स। एक तो जैसे कभी नहीं। Not two flowers are ever the same। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। Every soul has its own part। हर एक एक्टर का पार्ट बजाते रहते हैं। Every actor keeps playing his part। बाप भी आकर के स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं। The father also comes and anyhow completes the task of the establishment। आकर के जाकर के। After coming or going। आकर के स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं। He comes and anyhow completes the task of the establishment। जिन्हें आए और चले जाए और फिर स्थापना का कार्य अपने आप होता रहे। It is not that he comes and goes and then this task of the establishment happens automatically। नहीं। No। हर 5-4 वर्ष के बाद आकर के विश्व का मालिक बना ही देते। He comes after every 5000 years and makes us the masters of the world for sure। जब तक विश्व का मालिक न बनावे तब तक वापस नहीं जा सकते। Until he makes us the masters of the world, he can't go back। देह का बाप है ना? He is the unlimited father, isn't he? क्योंकि हद के बाप तो
वर्षा देने से पहले भी चले जाती हूँ। इट इज बिकॉज द लिमिटेड फादर्स डिपार्ट इवन बिफोर गिविंग द इनहेरिटेंस। तो बेहद का बाप जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। सो द अनलिमिटेड फादर विल सर्टनली गिव द इनहेरिटेंस ऑफ द न्यू वर्ल्ड। जरूर शब्द क्यों लगाया? Why did he add the word certainly? ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाएंगे। It isn't that he will leave his task midway and go back। या ब्रह्मा का तन छूट गया। Or that the body of Brahma is gone। तो बाबा कोई कार्य नहीं करेंगे प्रैक्टिकल में साकार में। So Baba won't perform any task in practice in a corporeal form। ऐसे नहीं। It isn't so। ये मुरली ने बोला। This is why it has been said in the Murli, जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना। Whichever body I enter will have to be named Brahma। अच्छा, रिमेम्बरेंस लव एंड गुड मॉर्निंग ऑफ द मदर द फादर एंड बाप दादा टू द स्वीट लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चिल्ड्रन। रुवानी बाप की रुवानी बच्चों को। नमस्ते मीनिंग ग्रीटिंग्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल फादर टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। आज की वाणी है 23 नंबर के रजिस्टर में 77 पेज पर 26889 का पहला क्लास। टुडेज वाणी इज द मॉर्निंग क्लास डेटेड 26889 ऑन पेज नंबर 77 ऑफ द रजिस्टर नंबर 23। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझा दी। द स्पिरिचुअल फादर एक्सप्लेन्स टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। ये जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है ये तो एक नॉलेज है। दिस नॉलेज ऑफ द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स दैट इज एक्सप्लेन्ड टू यू इज अ काइंड ऑफ नॉलेज। नॉलेज तो तुम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी। यू चिल्ड्रन हैव स्टडीड द नॉलेज फॉर मेनी बर्थ्स। और धारणा करते आए। एंड यू हैव बीन इम्बाइबिंग इट। वो तो बिल्कुल सहज। That is very easy। ये कोई नई बात नहीं। This is nothing new। बाप बैठ समझाते हैं सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए। The father sits and explains how many births you have had from the golden age till the end of the iron age। ये ज्ञान तो सहजरी की बुद्धि में है ही। This knowledge is naturally in your intellect। ये भी एक पढ़ाई है रचना के आदि मध्यंत को समझना। This is also a study। टू अंडरस्टैंड द बिगिनिंग द मिडल एंड द एंड ऑफ द क्रिएशन। तो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। सो नोबडी एक्सेप्ट द फादर कैन एक्सप्लेन दिस। बाप कहते हैं द फादर सेज इस ज्ञान से भी ऊंची बात है याद की यात्रा जिसको योग कहा जाता है। द सब्जेक्ट ग्रेटर देन दिस नॉलेज इज द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस विच इज कॉल्ड योग। योग अक्षर बहुत मशहूर। द वर्ड योग is very well known। परंतु ये है याद की यात्रा। But this is the journey of remembrance। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं कहेंगे हम फलाने चीज यात्रा पर जाते हैं। For example, people go on pilgrimages। They will say, we go on this particular pilgrimage। श्रीनाथ या अमरनाथ जाती हूँ। They go to श्रीनाथ और अमरनाथ। वो याद रहता है। They remember that। अभी तुम जानते हो रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते कि मुझे याद करो। नाउ यू नो दैट द स्पिरिचुअल फादर टीचेस अस अ वेरी लॉन्ग जर्नी रिमेम्बर मी। उन यात्राओं से तो फिर वापस लौटा किसी दुनिया में। पीपल कम बैक फ्रॉम दोस पिलग्रिमेजेस टू दिस वेरी वर्ल्ड। ये तो वो यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास कर रहे। दिस इज अ जर्नी In which we have to go to the abode of liberation and reside there। फिर पुरानी दुनिया में वापस नहीं आना। Then we don't have to come back to this old world। बल पार्ट में आना है। Although we have to come to play a part। परंतु नई दुनिया में आना है इस दुनिया में नहीं आना। We have to go to the new world and not come to this world। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग। You have a feeling of detachment for this old world। ये तो थी थी रावण राज्य। This is the dirty kingdom of Ravan। तो मूल बात है याद किया था। So the main thing is the journey of remembrance। कई बच्चे ये भी समझते नहीं है कि कैसे याद करना है।
मेनी चिल्ड्रन डोंट इवन अंडरस्टैंड हाउ दे शुड रिमेम्बर। कोई याद करते हैं व नहीं करते हैं ये देखने में तो कुछ भी नहीं आता। वी कैन नॉट सी वेदर समवन रिमेम्बर्स और नॉट। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। द फादर सेज कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ सोल एंड रिमेम्बर मी द फादर। देखने की तो कोई चीज नहीं, न मालूम पड़ सकता है ये उस अवस्था में कहाँ तक रहते हैं। इट इज नॉट समथिंग टू बी सीन नीदर कैन वी नो टू विच एक्सटेंट दे रिमेन इन दैट स्टेज। कहाँ तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं ये तो खुद ही जाने। दे देमसेल्व्स कैन नो हाउ फार दे रिमेन कॉन्स्टेंट इन द जर्नी ऑफ रिमेम्ब्रेंस। यीशु तो बहुतों को बतलाते हैं। द फादर कीप्स टीचिंग टैक्टिक्स टू मेनी। कल्याणकारी बाप ने समझाया है अपन को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो। द बेनिफिशियल फादर हैज एक्सप्लेन्ड कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ सोल एंड रिमेम्बर शिव बाबा। बल अपनी सर्विस भी करते रहो। यू मे कंटिन्यू टू डू योर सर्विस मीनिंग जॉब। जैसे मिसाल पैरे पर बच्चे हैं चक्कर लगाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन हु वर्क एज गार्ड्स कीप गोइंग ऑन राउंड्स। उनको याद में रहना तो बहुत सहज है। इट इज वेरी इजी फॉर देम टू बी इन रिमेम्ब्रेंस। सिवाय बाप की याद के और कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। यू शुडंट रिमेम्बर एनीथिंग एक्सेप्ट द फादर। बाबा मिसाल देकर तो बताते हैं। बाबा टेल्स अस विद एग्जांपल्स। उस याद की यात्रा में ही आए और जाए। यू शुड कम एंड गो ऑन दैट वेरी जर्नी ऑफ रिमेम्ब्रेंस। जैसे फादर लोग जाते जस्ट एज द क्रिश्चियन फादर्स वॉक। इतना साइलेंस में जाते दे वॉक इन सच साइलेंस। तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप को और घर को याद करना है। सो यू चिल्ड्रन शुड ऑल्सो रिमेम्बर द फादर एंड द होम विद अ लॉट ऑफ लव। ये मंजिल बड़ा भारी है। दिस गोल इज वेरी हाई। भक्त लोग भी यही पुरुषार्थ करते रहते। द डिवोटीज टू कीप मेकिंग द सेम पुरुषार्थ। परंतु उन विचारों को तो ये पता ही नहीं है कि हमको वापस जाना है। बट दोज पुअर पीपल डोंट नो एट ऑल दैट दे हैव टू रिटर्न होम। वो तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे। दे थिंक दैट व्हेन द आयरन एज एंड्स दे विल गो। उनको भी ऐसे सिखलाने वाला तो कोई है नहीं। देर इज नोबडी टू टीच देम लाइक दिस। तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है। यू चिल्ड्रन आर टॉट। जैसे पहरा देते हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गार्ड। तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। द मोर यू रिमेम्बर द फादर इन सॉलिट्यूड द बेटर इट इज। याद से पाप करते हैं। द रिमेम्ब्रेंस कट्स मीनिंग डिस्ट्रॉयज द सिंस। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। देर आर सिंस ऑफ मेनी बर्थ्स ऑन अवर हेड। जो पहले सत्वप्रधान बनते हैं राम राज्य में भी वही पहले जाते हैं। दोज हू बिकम सत्वप्रधान फर्स्ट ऑल्सो गो टू द किंगडम ऑफ राम फर्स्ट। तो उनको ही सबसे जाती याद की यात्रा में रहना। सो दे अलोन हैव टू रिमेन इन द जर्नी ऑफ रिमेम्ब्रेंस द मोस्ट। उनको हु जो पहले राम राज्य में जाते। दोज हू गो टू द किंगडम ऑफ राम फर्स्ट। कृष्ण राज्य क्यों नहीं कहा। Why wasn't it called the kingdom of Krishna? है कलयुग स्थापन होता है तो पहले राम राज्य स्थापन। When the golden age is established, then first the kingdom of Ram is established. इसे राम बाप को कहा जाता है। कृष्ण तो बच्चा है जो बाद में पैदा होता है। Because the father is called Ram, Krishna is a child who is born later on. तो सबसे ज्यादा याद में उनको रहना है जो पहले पहले राम राज्य में जाते। So those who go to the kingdom of Ram first have to remain in remembrance the most. Kalp kalp ki baat hai. It is about every kalpa, meaning cycle. To inko yaad ki yatra mein rehne ka achha chance. So, this one has a good chance to remain in the journey of remembrance. Inko? Who? Inko jab kehte hain to kiski taraf ishara? When the word this one is uttered, then it is a hint towards whom? Brahma ki taraf. Towards Brahma. क्योंकि जाति नजदीक है। बिकॉज ही इज क्लोजर टू शिव। जो जाति साकार में नजदीक रहा हुआ पड़ा है उसको याद करने का मार्ग जाति। द वन हु इज क्लोजर इन अ कॉर्पोरियल फॉर्म हैज अ ग्रेटर स्कोप टू रिमेम्बर। अच्छा चांस। ही हैज अ गुड चांस। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ फाइट्स एंड क्वारल्स हियर एट ऑल। आते जाते अथवा बैठते एक पंथ दो कान। While coming and going or while sitting,
two tasks should be accomplished while pursuing one goal. पैरा भी दो, बाप को भी याद करो. Guard as well as remember the father. कर्म करते बाप को याद करते रहो. Even while performing actions, keep remembering the father. पहरे वाले को तो सबसे ज्यादा फायदा. Guards have the maximum benefit. चाहे दिन को चाहे रात को जो पहरा देते हैं उनों के लिए बहुत फायदा. अगर ये याद रहने की आदत पड़ जाए तो. Whether in the day or at night, those who work as guards can get a lot of benefit if they become used to remembering the father. तो बाप ने ये सर्विस बहुत अच्छी दी है. So, this is very good service that the father has assigned to the guards. पहरा और याद किया. Guarding and the journey of remembrance. ये भी चांस मिलता है बाप की याद में रहने का. This is also a chance that we get to be in the remembrance of the father. ये भिन्न-भिन्न युक्तियाँ बताई जाती हैं याद की यात्रा में रहने. These are the different tactics that are given to be in the journey of remembrance. यहाँ तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे याद में नहीं रह सकेंगे. You won't be able to remain in remembrance outside at your job etc. as much as you will be able to be in remembrance here. Barman. What does outside mean? Aryaman. And what does here mean? Madhuban. In Madhuban. क्योंकि मधुबन में ही वास्तव में पुरुषोत्तम संगम युग होता है. Because in reality it is the Purushottam Sangam Yug, meaning the elevated confluence age, only in Madhuban. और दूसरे जो सेंटर्स हैं वहाँ पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे. It won't be said to be the Purushottam Sangam Yug in the other centers. इसलिए मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने. That is why the children come to Madhuban to be refreshed. Liyate. Why do they come? Madhuban में जितना अच्छा पुरुषार्थ हो सकता है उतना बाहर की दुनिया में उतना अच्छा पुरुषार्थ नहीं हो सकता. They come because the best effort that is possible in Madhuban isn't possible in the outside world. एक अंत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठकर याद की यात्रा में रहे. You should go to a hill and sit there in the journey of remembrance in solitude. फिर एक जाए वह दो तीन जाए. Then whether one person goes or two or three go. पहाड़ी तो पहाड़ पर होगी. The hills will be on the mountains. मैदान में कहाँ से पहाड़ी आई. Where will hills come from on the plains? भगवान के अवतार तो मैदान में दिखाई दिए हैं यूपी में. God's incarnations have been shown in the plains in UP, meaning Uttar Pradesh. अमरनाथ में जाते हैं. People go to Amarnath, meaning a pilgrimage place located on high mountains. तो वहाँ पहाड़ पर बैठा हुआ है क्या. So, is he sitting there on a mountain? पहाड़ का मतलब क्या हुआ. What does mountain mean? ऊंची स्टेज. A high stage. चोटी का ब्राह्मण माने ऊंची स्टेज वाला ब्राह्मण. A Brahmin with a top knot means a Brahmin with a high stage. तो यहाँ चांस बहुत अच्छा है. So, there is a very good chance here. यही मुख्य है बाप की याद. The remembrance of the father, this itself is important. भारत का प्राचीन योग मशहूर भी बहुत है. The ancient yog of Bharat, meaning India, is very famous. अभी तुम समझते हो. Now you understand. इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं. That the sins are destroyed through this journey of remembrance. कैसे समझते हो. How do you understand it? कोई निशानी है जिसे समझे कि हमारे पाप कट रहे हैं कि नहीं कट रहे. Is there any indication through which you could understand whether your sins are being destroyed or not? अरे पाप की गठरी कटेगी तो हल्कापन महसूस होगा. अरे if the burden of sins is reduced, you will experience lightness. खुशी बढ़ेगी. The joy will increase. और पाप की गठरी बढ़ेगी. And if the burden of sins increases. क्योंकि ज्ञान में चलने वाले भी कर्म करते हैं पाप कर्म करते हैं बाप की मत के विपरीत से चलते हैं. Because those who follow the path of knowledge also perform wrong actions, sinful actions, act against the father's direction. तो बोझ बढ़ता है 100 गुना 1000 गुना. Then the burden of sins increases 100 times. 1000 times. और अब 1,00,000 गुना. And what about now? 1,00,000 meaning 100,000 times. हम सतो प्रधान बन जाएंगे.
when we become satopradhan, तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना। So we should make very good पुरुषार्थ in this. बहादुरी तो इसमें है जो काम करते बाप को याद करके दिखलाओ। Courage lies in setting an example of remembering the father while performing actions. दूसरा पेज। Second page. बैठ करके याद करना ये कोई बड़ी बात नहीं। To sit and remember isn't a big thing. लेकिन कर्म करते कर्म भी करो और योग भी करो। But while performing actions, you should perform actions as well as do yoga, meaning be in remembrance. कर्म तो करना ही है। You certainly have to perform actions. क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। Because you belong to the household path. तो कर्म करते बाप को याद करना। So you have to remember the father while performing actions. व्यस्त व्यवहार में रहते धंधा आदि करते बुद्धि में बाप की याद रहे। While living in a household, while doing your job, etc., the intellect should remember the father. देखो, who should do this? तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले। You, the ones who belong to the household path. इनसे तुम्हारी बहुत बहुत कमाई। You earn a lot of income from this. किनसे? From what? है? प्रवृत्ति मार्ग के राजयोग से तुम्हारी कमाई बहुत है। You earn a lot of income from the Rajyog of the household path. बल अभी कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। Although it doesn't strike the intellect of many children now. क्या? What? कि कर्म करते कैसे याद करो? How should we remember while performing actions? बाप कहते हैं ये भी चार्ट रखो। The father says, keep this chart too. थोड़ा बहुत कोई कोई लिखते भी हैं। Some write to some extent. बाप इसी है तो बहुत बतलाते हैं। The father tells you a lot of tactics. बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं। The children wish to go to Baba. यहाँ बहुत कमाई कर सकते हैं। Here they can earn a lot of income. एकांत बहुत अच्छी है। Here the solitude, एकांत is very good. बाप सन्मुख बैठ समझाते। The father sits face to face and explains. बहुत अच्छी एकांत क्यों है? Why is the solitude very good? क्योंकि बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। It is because the father sits face to face and explains. एकांत का मतलब ये एक के अंत में। The very meaning of एकांत is एक के अंत में, meaning in the proximity of the one. दरबार की दुनियादारी में एक तो होता नहीं है सन्मुख। And in the affairs of the outside world, the one is not face to face. तो और औरों के अंत में भी चले जाते हैं। So people start going into the proximity of the others too. बुद्धि भटकती है। The intellect wanders. बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं मुझे याद करो। The father sits face to face and explains, remember me. किसने कहते? Through whom does he say this? ब्रह्मा के तन में था तो सन्मुख बैठ समझाता था। When he was present in the body of Brahma, he used to sit and explain face to face. अब ब्रह्मा का तन तो रहा नहीं। Now the body of Brahma isn't present. तो कहेंगे कि बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। So will it be said that the father sits face to face and explains? Then Madhuban mein aur bahar mein fark kya raha? Then what is the difference between Madhuban and outside? Bahar ki duniya mein rehne wale bhi buddhi yog se khichte. Those who live in the outside world pull, meaning remember the father through their intellect. Aur Madhuban mein agar sakar baba nahi hai to unko bhi buddhi yog se khichna pade. And if the corporeal baba isn't present in Madhuban, then they will also have to pull him through the intellect. तो सहज होगा फिर? Then will it be easy? बाहर वालों को सहज होगा, अंदर वालों को, मधुबन वालों को सहज होगा? Will it be easy for the outsiders or will it be easy for the insiders, the residents of Madhuban? दोनों को एक जैसा हो गया? It is the same for both. लेकिन बोला? But it has been said. बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं मुझे याद करो। That the father sits face to face and explains. Remember me. नहीं तो सन्मुख बैठे न हो तो बच्चों को समझाएंगे भी नहीं कि मुझे याद करो। And if he is not sitting face to face, he won't even explain to the children, remember me. ये संगम युग ही है जिसमें बाप सन्मुख बैठ समझाते। It is the confluence age alone where the father sits and explains face to face. और कोई युग में सन्मुख बैठ नहीं समझाते हैं। He doesn't sit and explain face to face in any other age. कि मुझे याद करो तो पाप करो। Saying
if you remember me, your sins will be destroyed. क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं. Because the burden of sins of many births is over the head. ये तो बाप जानते हैं विकार के लिए कितने झगड़े चलते. The father does know how many disputes arise for lust. बिगन पाते हैं. Obstacles are created. कहते हैं बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते. They, the mothers in bondages, say, Baba, we are not allowed to remain pure. बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें याद की यात्रा में रहे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वो बोझा उतारो. The father says, children, remain in the journey of remembrance and relieve yourself of the burden of sins of many births that is on your head. क्योंकि जो तुमको पवित्र नहीं रहने देते उनके साथ तुम्हारा किया हुआ कोई कर्मों का तुम्हारा भी तो कोई बोझा है ना. Because you have a burden of karmic accounts with those who don't allow you to remain pure, don't you? तो लोग तुमसे हिसाब किताब पूरा करते हैं. So they settle their accounts with you. तो क्या करो? So what should you do? छोड़ छाड़ के भागने की बात नहीं है. It isn't about running away by leaving everything. लेकिन घर गृहस्थ में रहते अपने पापों का बोझ हल्का करो. But reduce your burden of sins while living in the household. बाप की याद में रिमेन इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर. बुद्धि योग देहधारियों से नहीं लगाओ. डोंट कनेक्ट योर इंटेलेक्ट विद द बॉडीली बींग्स. बाप कहते हैं बच्चे तुम याद की यात्रा में जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है अब वो बोझा उतार दो. द फादर सेज चिल्ड्रन रिलीव योर सेल्फ ऑफ द बर्डन ऑफ सिंस ऑफ मेनी बर्थ्स दैट इज ऑन योर हेड थ्रू द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस. घर में बैठे शिव बाबा को याद करते रहो. Keep remembering Shiv Baba while living at home. और याद तो कहाँ भी बैठे कर सकते. And you can remember sitting anywhere. कहाँ भी रहते ये practice करनी है. You have to practice this while living anywhere. जो भी आए उनको बाप का पैगाम दो. Give the message of the father to all those who come. बाप कहते हैं अपन को आत्मसमझ बाप को याद करो. The father says, consider yourself to be a soul and remember the father. इसको योग बल कहा जाता. This is called the power of yog, yog bal. Bal mana taakat, shakti. Bal means strength, power. Baap ko sarv shaktiman kehte hai na. The father is called almighty, isn't he? Wo shakti baap se kaise milegi? So, how will we achieve that power from the father? Baap khud kehte hai mujhe yaad karo. The father himself says, remember me. Tum neeche utarte utarte tamopradhan ban gaye. You have become tamopradhan. While descending. तो शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई. So that power has completely finished. पाए की भी शक्ति नहीं रही है. There isn't even power worth a pie, meaning the smallest unit of currency in the past in India. तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं बाप को याद करते हैं. There are a few among you who understand nicely and remember the father. तो अपन से पूछना है हमारा चार्ट कैसा रहता है. सो वी शुड आस्क अवर सेल्फ हाउ इज अवर चार्ट. बाप तो सब बच्चों को कहते हैं. द फादर टेल्स ऑल द चिल्ड्रन याद की यात्रा मुख्य है. द मेन थिंग इज द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस. याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे. योर सिंस विल बी डिस्ट्रॉयड ओनली थ्रू रिमेम्बरेंस. बल कोई सावधान करने वाला भी नहीं है. बाप को याद तो कर सकते हो ना. ऑल्दो देयर इज नोबडी टू कॉशन यू यू कैन एटलीस्ट रिमेम्बर द फादर. Can't you? मैं कहाँ भी रहो. You may live anywhere. विलायत में अकेले हो. You may be alone in a foreign country. क्योंकि जोड़ी होती है तो एक दो को सावधान करते हैं. Because if there is a couple, then they caution each other. समझो शादी किया हुआ है. स्त्री और कोई जगह है. Suppose you are married and the wife is living at some other place. तो उनको भी लिख सकते हो. Then you can write to her as well. तुम एक बात से याद करो बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप बस हो जाए. रिमेम्बर ओनली वन थिंग इफ यू रिमेम्बर द फादर देन द सिंस ऑफ योर मेनी बर्थ्स विल बी डिस्ट्रॉयड. बिना सामने खड़ा डिस्ट्रक्शन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. बाप युक्तियाँ तो बहुत अच्छी समझाते हैं. द फादर कीप्स एक्सप्लेनिंग वेरी नाइस टैक्टिक्स. फिर कोई करे न करे उनकी मर्जी. देन वेदर एनीवन इंप्लीमेंट्स देम और नॉट इट इज अप टू देम. बच्चे समझते जरूर होंगे राय तो बहुत अच्छी देते हैं. द चिल्ड्रन माइट सर्टनली अंडरस्टैंड ही गिव्स वेरी गुड एडवाइस. हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले उनको पैगाम दें.
Our job is to give the message to any friend, relative, etc. we meet. पहले किनको पैगाम देना? To whom should we give the message first? जो जन्म जन्मांतर के मित्र संबंधी है वो ही मिलेंगे. You will meet only those who have been friends and relatives for many births. तुमको पैगाम देना. You should give the divine message to them. दोस्त होगा कोई भी हो, कर्म का शौक चाहिए. Whether it is a friend or anyone, you should have an interest to do service. तुम्हारे पास पिक्चर तो है. You do have the pictures. बैज भी है. You have the badge too. बड़ी अच्छी चीज है. It is a very good thing. बैज किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है. A badge can make anyone into Lakshmi Narayan. Yes. What? एक ही चित्र. Only one picture is enough. ढेर चित्रों की दरकार नहीं. There is no need for numerous pictures. बैज में क्या है? What is there in a badge? लक्ष्मी नारायण का चित्र. दूसरी तरफ? There is the picture of Lakshmi Narayan on one side. और एक तरफ है त्रिमूर्ति का चित्र. And on the other side is the picture of the Trimurti. वो बैज आजकल मिलता है? Is that badge available nowadays? नहीं मिलता. It isn't available. क्योंकि विदेशियों का प्रभाव बढ़ गया ब्राह्मणों की संबंधी दुनिया में. Because the influence of the foreigners has increased in the confluence age world of Brahmins. तो ओरिजिनल जो बैग है, ओरिजिनल जो हमारा झंडा है, त्रिमूर्ति का झंडा, वही गायब कर दिया. So the original badge, our original flag, the very flag of the Trimurti has been made to vanish. ओरिजिनल बैज की बात बताई. It was mentioned about the original badge. और वो बैज भी एक होता है जड़. And even in the case of that badge, one kind is non-living. और दूसरा होता है चेतन. And the other kind is living. जड़ बैज वो भी बुद्धि पाकेट में उसका ज्ञान पड़ा रहता है. The non-living badge, the knowledge of that badge lies in the pocket-like intellect. बाहर की पॉकेट में बाहर डालने से कोई फायदा नहीं. There is no benefit in putting it in the outside pocket. बाहर कोई बैज लगाए रहे और उसके अर्थ को नहीं समझता है, दूसरों को नहीं समझा सकता है, तो कोई काम का नहीं. If someone is displaying a badge outside but doesn't understand its meaning, if he can't explain it to the others, then there is no use. लेकिन हमें तो चैतन्य में बनना है ना. But we have to become like Lakshmi Narayan in a living form, don't we? लक्ष्य हमारा है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना. Our aim is to become like Lakshmi and Narayan. तो जो पढ़ाई पढ़ाने वाला त्रिमूर्ति शिव बाप है. So the Trimurti father Shiv who teaches the knowledge. त्रिमूर्ति कहा जाता है. It is said Trimurti, meaning three personalities. एक मूर्ति नहीं कहा जाता. It isn't said एक मूर्ति, meaning one personality. तो त्रिमूर्ति शिव बाप का पूरा परिचय बुद्धि में बैठा हुआ. So the complete introduction of the Trimurti father Shiv should be in the intellect. तीनों मूर्तियों की चैतन्य में पहचान हो. We should have the introduction of all the three personalities in a living form. सिर्फ जड़ चित्र की बात नहीं है. It isn't just about the non-living picture. आखिरी में ब्रह्मा कौन? संपूर्ण. Ultimately, who is the complete Brahma? विष्णु कौन? संपूर्ण स्टेज जिसके चित्र बनाए जाते हैं. Who is विष्णु whose picture in a complete stage is made? चरित्र की यादगार में चित्र बनते हैं. Pictures are made in memory of the characters that are performed. तो जरूर कोई वैष्णव देवी हुई होगी. So there will certainly be a वैष्णव devi. विष्णु देवता के रूप में कोई हुआ होगा. There will be someone in the form of the deity विष्णु. Side B. पुरुष नंबर के रजिस्टर में 78 पेज पर 26889 का पांच क्लास. मॉर्निंग क्लास डेटेड 26889 एट पेज नंबर 78 ऑफ रजिस्टर नंबर 23. दूसरे पेज का मध्य. मिडल पार्ट ऑफ द सेकेंड पेज. तो बैज किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है जिसका त्रिमूर्ति का चित्र दिया है. सो द बैज ऑन विच द पिक्चर ऑफ द त्रिमूर्ति हैज बीन गिवन कैन मेक एनी वन इंटू लक्ष्मी नारायण. ये बैज कहाँ पड़ा हुआ हो? वेयर शुड दिस बैज बी प्लेस्ड? बुद्ध रूपी पॉकेट में. इन द पॉकेट लाइक इंटेलेक्ट. अर्थात बुद्धि में तीनों मूर्तियों का पक्का ज्ञान बैठा हुआ है. मीनिंग द नॉलेज ऑफ ऑल द थ्री पर्सनैलिटीज शुड सिट फर्मली इन द इंटेलेक्ट. जिसकी बुद्धि में होगा. द वन हु नोज इन हिज इंटेलेक्ट. ये ब्रह्मा का पार्ट वर्तमान में कौन? हु इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ ब्रह्मा एट प्रेजेंट?
विष्णु का पार्ट वर्तमान में कौन, जो प्रत्यक्ष होने वाला है? एट प्रेजेंट हु इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ विष्णु हु इज गोइंग टू बी रिवील्ड? ऐसे नहीं कि विष्णु का पार्ट धारी नहीं है। इट इजंट दैट देयर इज नो सेपरेट एक्टर प्लेइंग द रोल ऑफ विष्णु। क्योंकि शिव अकेले नहीं आते हैं। बिकॉज शिव डजंट कम अलोन। शिव जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन मूर्तियों के साथ आते हैं। When Shiv comes, he comes along with the three personalities, meaning Brahma, Vishnu and Shankar. तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ऐसे नहीं कहा जा सकता कि विष्णु तो सतयुग में ही होगा। So, in the confluence age world of Brahmins, it cannot be said that Vishnu will be only in the golden age. संगम युग में कहाँ से आया? How can he come in the confluence age? नहीं। No. संगम युग में है तो he is present in the confluence age. लेकिन संपन्न स्टेज में नहीं। But he is not in a perfect stage. कोई न कोई ब्राह्मण है। There are some or other Brahmins जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीन प्रकार के पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। Who are the special souls who play the three kinds of parts of Brahma, Vishnu and Shankar? ब्रह्मा के रूप में, in the form of Brahma, फिर विष्णु के रूप में न्यूट्रल, एंड देन इन द फॉर्म ऑफ विष्णु द न्यूट्रल वन, फिर शंकर के रूप में लॉफुल, देन द लॉफुल वन इन द फॉर्म ऑफ शंकर, ब्रह्मा के रूप में लॉफुल, द लविंग वन इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा। इसको समझाना है। देन यू शुड एक्सप्लेन, ये त्रिमूर्ति है। दिस इज द त्रिमूर्ति। कौन सी? विच वन? जड़ चित्र में। सिर्फ नहीं समझाना है। You shouldn't explain just on the non-living picture. लेकिन जड़ चित्र में भी ओरिजिनल चित्र बुद्धि में बैठा हुआ होगा तो असली समझा सकेंगे। But even in the case of the non-living picture, if the original picture has sat in the intellect, then you will be able to explain the reality. नहीं तो जैसे भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। Otherwise, just as people say त्रिमूर्ति ब्रह्मा in the path of bhakti. ब्रह्मा की तीन मूर्तियाँ, थ्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रह्मा, वास्तव में है त्रिमूर्ति शिव और कह देते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। एक्चुअली देर इज त्रिमूर्ति शिव बट पीपल से त्रिमूर्ति ब्रह्मा। जो चित्र बनाए हुए हैं भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के आधार पर, द पिक्चर्स दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन द पाथ ऑफ भक्ति ऑन द बेसिस ऑफ विजन्स। साक्षात्कार भक्ति मार्ग में होता है या ज्ञान मार्ग में? Do people have visions in the path of bhakti or in the path of knowledge? बंद आंखों का साक्षात्कार भक्ति मार्ग में होता है। People have visions through closed eyes in the path of bhakti. और ज्ञान मार्ग में? And what about the path of knowledge? बुद्धि का साक्षात्कार होता है तीसरे नेत्र का। People have visions through the intellect, through the third eye. तो जो भक्ति मार्ग के बनाए हुए चित्र हैं साक्षात्कार के आधार पर, So in the pictures that have been prepared in the path of bhakti on the basis of visions, unme to teeno chitron mein kiska chitra dikhai diya hai? Whose picture has been depicted in all the three pictures? Brahma ka chehra dekho dhyan se. Brahma's picture, look at the face carefully. Brahma ka bhi wohi chehra 30x40 inch ke chitra jo Brahma baba ke samay sakshatkar se banaye gaye the, उनमें ब्रह्मा का भी वही चेहरा, विष्णु का भी वही चेहरा और शंकर का भी वही चेहरा। ब्रह्मास फेस इज डेफिनेटली द सेम इन द पिक्चर्स मेजरिंग 30x40 इंचेस दैट वर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रह्मा बाबा ऑन द बेसिस ऑफ विजन्स। ब्रह्मा, विष्णु एंड शंकर हैव द सेम फेस। सिर्फ मूछ हटा दी गई है विष्णु के चित्र में और शंकर के चित्र में। ओनली द मुस्टैच हैज बीन रिमूव्ड इन द पिक्चर्स ऑफ विष्णु एंड शंकर। उनको कपड़ा पहनाई दिया है और उनको कपड़ा भी नहीं। ही मीनिंग ब्रह्मा हैज बीन शोन टू बी ड्रेस्ड एंड ही मीनिंग शंकर इज नॉट इवन वेयरिंग एनी क्लोथ्स। और विष्णु को बहुत तामझाम दिखाई दिया। एंड विष्णु हैज बीन शोन टू बी वेयरिंग अ लॉट ऑफ ऑर्नामेंट्स। चित्र का अर्थ तो है। सो द पिक्चर इज सर्टनली मीनिंगफुल। भक्ति मार्ग में भी जो चित्र बनाए गए हैं उनका भी कोई न कोई अर्थ होता है। ऑल द पिक्चर्स दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड
इन द पाथ ऑफ भक्ति हैव सम और अदर मीनिंग। लेकिन वो चित्र भी एक्यूरेट नहीं है। बट दोज पिक्चर्स आर नॉट एक्यूरेट। इसलिए मुरली में इशारा दे दिया। दैट इज वाई अ हिंट हैज बीन गिवन इन द मुरली। मुरली में ही बाबा ने बोल दिया। इन द मुरली इटसेल्फ बाबा हैज सेड ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है। दैट दिस पिक्चर ऑफ द त्रिमूर्ति इज नॉट एक्यूरेट। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति से का चित्र एक्यूरेट निकालना चाहिए। यू चिल्ड्रन शुड ब्रिंग आउट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का एक्यूरेट चित्र क्यों नहीं निकाले। वाई डोंट यू ब्रिंग आउट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द थ्री ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर। तो एक्यूरेट चित्र कौन निकालेंगे। सो हु विल ब्रिंग आउट द एक्यूरेट पिक्चर। जिनकी बुद्धि में खुद बैठा होगा वो फिर निकालेंगे। ओनली दोज इन हूज इंटेलेक्ट द रियलिटी हैज सेट कैन ब्रिंग आउट द एक्यूरेट पिक्चर। खुद जो प्रैक्टिकल स्टेज में होंगे दोज हु आर रियली इन दिस स्टेज देमसेल्व्स। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन पक्का प्योरिटी का नशा चढ़ा हुआ होगा तो निकाल सके। दोज हु आर स्ट्रांगली इंटॉक्सिकेटेड विद द प्योरिटी ऑफ बीइंग ब्रह्मास चिल्ड्रन मीनिंग द ब्रह्मा कुमार कुमारीज हु आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फॉर ईच अदर विल बी एबल टू ब्रिंग आउट द एक्यूरेट पिक्चर। ऐसे थोड़ी खुद में धारणा नहीं है बाप का फोटो खींचने के लिए आ जाए कि बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के एक्यूरेट फोटो होने चाहिए हमें अपना फोटो देना चाहिए। इट शुडंट बी दैट दे देमसेल्व्स डोंट इंबाइब प्यूरिटी एंड दे कम टू टेक द फोटो ऑफ द फादर सेइंग दैट बाबा हैज सेड दैट देयर शुड बी एन एक्यूरेट फोटो ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर ही शुड गिव अस हिज फोटो। तो वो फोटो ऐसे नहीं खींच सकेंगे कौन खींच सकेंगे। दे वोंट बी एबल टू टेक अ फोटो इन दैट वे। हु विल बी एबल टू टेक इट। जिनमें खुद एक्यूरेट धारणा हो वो फिर बाप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। दोज हु देमसेल्व्स विल हैव इम्बाइब्ड द नॉलेज एक्यूरेटली दे कैन रिवील द फादर। उसके तो समझाना है ये त्रिमूर्ति है। सो यू मस्ट जस्ट एक्सप्लेन दिस इज द त्रिमूर्ति। इनके ऊपर शिव है। शिव इज अबाउ देम। ब्रह्मा विष्णु शंकर इनके ऊपर भी कौन सी आत्मा। विच सोल इज अबाउ ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर। सुप्रीम सोल शिव। द सुप्रीम सोल शिव। वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं। दोज पीपल प्रिपेयर द पिक्चर ऑफ द त्रिमूर्ति। ऊपर में शिव दिखाते नहीं। दे डोंट शो शिव अबाउ। कौन लोग। हु है भक्त लोग जो त्रिमूर्ति बनाते हैं उसमें ऊपर में। ऊपर में का क्या मतलब। द डिवोटीज हु प्रिपेयर द पिक्चर ऑफ द त्रिमूर्ति इन इट ऑन द टॉप। वॉट इज मेंट बाय ऑन द टॉप। ऊंची स्टेज में जो शिव है वो नहीं दिखाते। दे डोंट शो शिव हु इज इन अ हाई स्टेज। वो कैसे दिखाया जाएगा। हाउ विल दे शो हिम। शिव को न जानने के कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ। बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग शिव द शिप ऑफ इंडिया हैज संक। वाई ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो ऊपर में शिव नहीं दिखाते हैं क्या। इन द कॉन्फ्लुएंस एज वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मिन्स दोज़ हु फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति डोंट दे शो शिव एट द टॉप। दिखाते हैं। दे शो हिम। तो शिव कैसे दिखाया जाएगा। सो हाउ विल दे शो शिव। शंकर के रूप में बाजू में भी शंकर के रूप में ऊपर भी शंकर के रूप में। इज इट इन द फॉर्म ऑफ शंकर। विल ही बी डिपिक्टेड ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल एज ऑन द टॉप इन द फॉर्म ऑफ शंकर। ये क्या बात हुई। वॉट इज दिस। नहीं नो बाबा का मतलब ये है कि त्रिमूर्ति का जो चित्र बनाया है उसमें शंकर की जगह भी ब्रह्मा को बैठा दिया है। बाबा मीन्स दैट इन द पिक्चर ऑफ द त्रिमूर्ति दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड ब्रह्मा हैज ऑल्सो बीन मेड टू सिट इन प्लेस ऑफ शंकर। और जो असली चित्र होना चाहिए वो गुम कर दिया। एंड द एक्चुअल पिक्चर दैट शुड हैव बीन देयर हैज बीन कंसील्ड। जो यज्ञ के आदि वाला जो ब्रह्मा को भी पढ़ाई पढ़ाता था। द वन हु वॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ हु यूज्ड टू टीच इवन ब्रह्मा। मम्मा को भी पढ़ाई पढ़ाता था। हु यूज्ड टू टीच इवन मम्मा। सब बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता था। हु यूज्ड टू टीच ऑल द चिल्ड्रन। उसका चित्र उसकी लाश ही गुम कर दिया। ऐसे भी मुरली में बोल दिया। हिज पिक्चर
इवन हिज कॉर्प्स हैज बीन कंसील्ड। दिस हैज ऑल्सो बीन सेड इन द मुरली। तो ऊपर में शिव का चित्र नहीं दिखाते हैं भक्ति मार्ग के चित्र में। सो द पिक्चर ऑफ शिव इजंट शोन ऑन टॉप इन द पिक्चर्स ऑफ द त्रिमूर्ति इन द पाथ ऑफ भक्ति। ब्रह्मा बाबा के समय के जो साक्षात्कार के चित्र है भक्ति मार्ग वाले। द पिक्चर्स प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ विजन्स ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ ब्रह्मा बाबा विच बिलोंग्ड टू द पाथ ऑफ भक्ति। उनको ज्ञान मार्ग वाले चित्र कहेंगे क्या? विल दे बी सेड टू बिलोंग टू द पाथ ऑफ नॉलेज? भक्ति मार्ग कहेंगे। दे विल बी सेड टू बिलोंग टू द पाथ ऑफ भक्ति। क्योंकि ज्ञान मार्ग में होता है डुप्लीकेट, वो भक्ति मार्ग में होता है डुप्लीकेट और ज्ञान मार्ग में होता है असली। बिकॉज इन द पाथ ऑफ भक्ति इट इज डुप्लीकेट एंड इन द पाथ ऑफ नॉलेज इट इज ओरिजिनल। तो असली चित्र साक्षात्कार से तो बन न सके। सो द ओरिजिनल पिक्चर्स कांट बी प्रिपेयर्ड थ्रू विजन्स। बनाएंगे तो फिर भी चित्रकार लोग। इवन इफ इट इज प्रिपेयर्ड द आर्टिस्ट विल प्रिपेयर इट। साक्षात्कार कोई दूसरा करता है और चित्रकार बनाता है तो एक्यूरेट कैसे बने? समवन एल्स हैज विजन्स एंड द आर्टिस्ट प्रिपेयर्स इट, सो हाउ कैन इट बी एक्यूरेट? तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखा जा सकता है। सो इट कैन बी सीन थ्रू द थर्ड आई ऑफ नॉलेज। कि ब्रह्मा का असली पार्ट अंतिम पार्ट आदि को अंत पार्ट ब्रह्मा बड़ी माँ माना जगदम्बा सारे जगत की माँ जिसकी कोई माँ नहीं वो पार्ट कौन सा? विच इज द ट्रू पार्ट द लास्ट पार्ट द पार्ट दैट इज इन द बिगनिंग एंड इन द एंड द पार्ट ऑफ ब्रह्मा मीनिंग द सीनियर मदर जगदम्बा द मदर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड द वन हु डजंट हैव एनी मदर। फिर शंकर। देन शंकर। शंकर का पार्ट कौन सा है? विच इज द पार्ट ऑफ शंकर? और फिर विष्णु जो न्यूट्रल रहने वाला है। एंड देन विष्णु द वन हु रिमेन्स न्यूट्रल। एकदम लकुल भी नहीं तो एकदम लाकुल भी नहीं। नीदर वेरी लविंग नॉर वेरी लवफुल। तो उनकी पूरी पहचान बुद्धि में बैठ जाए। सो देयर कम्प्लीट आइडेंटिफिकेशन शुड सिट इन द इंटेलेक्ट। शिव को न जानने के कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। द शिप दैट इज बेड़ा ऑफ इंडिया हैज संक ड्यू टू नॉट नोइंग शिव। बेड़ा मन जहाज। बेड़ा मीन्स शिप जहाज। भारत की नवैया डूबी हुई है। द बोट नवैया ऑफ इंडिया हैज संक। कहते भी है भक्ति मार्ग में शंकर चाप जहाज। इट इज ऑल्सो सेड इन द पाथ ऑफ भक्ति द शिप लाइक बॉडी ऑफ शंकर शंकर चाप जहाज। यही चले उतर पार्नर और बूढ़ सकल संसार। बाई सेलिंग ऑन इट द ह्यूमन बींग्स गो अक्रॉस एंड द एंटायर वर्ल्ड सिंक्स। सिखों में भी कहा हुआ नानक चाप जहाज। इवन अमंग द सिक्स इट इज सेड नानक चाप जहाज। नानक को ही सदगुरु भगवान मान लिया है। दे हैव कंसिडर्ड नानक हिमसेल्फ टू बी गॉड द सदगुरु। तो अब शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। सो नाउ द शिप ऑफ इंडिया इज टेकन अक्रॉस ओनली थ्रू शिव बाबा। वॉट? शिव बाबा है खिवैया। शिव बाबा इज द बोट मैन। और उसका बड़ा बच्चा है नाव में बिठैया। एंड हिज एल्डेस्ट चाइल्ड इज द पैसेंजर इन द बोट। और उस बच्चे की नाव भी है जिसे कहते हैं शंकर चाप। एंड दैट चाइल्ड ऑल्सो हैज अ बोट विच इज कॉल्ड शंकर चाप। नाव कहो या जहाज कहो। कॉल इट अ बोट और अ शिप इट इज वन एंड द सेम। पुकारते हैं पतित पावन आकर हम पतितों को पावन बनाओ। पीपल कॉल प्यूरिफायर ऑफ द सिनफुल कम एंड प्यूरिफाई अस द सिनफुल। कितनी पाई पैसे की भूल है। इट इज सच अ सिली मिस्टेक मिस्टेक वर्थ अ पाई पैसा मीनिंग फ्रैक्शन ऑफ अ रूपी। बिल्कुल साधारण भूल है। इट इज अ वेरी ऑर्डिनरी मिस्टेक। जैसे बाप बैठ समझाते हैं वैसे तुमको भी बात कर रहे हैं। जस्ट एज द फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स यू शुड ऑल्सो गिव लेक्चर्स। बल बच्चे सर्विस करते रहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। इट इज ट्रू दैट द चिल्ड्रन कीप डूइंग सर्विस अकॉर्डिंग टू द ड्रामा प्लान। ऐसे ही चलता आ रहा है। इट हैज बीन कंटिन्यूइंग लाइक दिस। बाप भी डायरेक्शन देते रहते हैं।
द फादर हिमसेल्फ कंटिन्यूज टू गिव डायरेक्शंस. ऐसे ऐसे म्यूजियम खोलो. ओपन म्यूजियम्स लाइक दिस. सर्विस करो. डू सर्विस. बहुत आएंगे. मेनी विल कम. वायरस बार कहाँ से निकलेंगे? फ्रॉम वेयर विल द एयर्स इमर्ज? प्रदर्शनी से निकलेंगे. विल द इमर्ज फ्रॉम द एग्जीबिशंस? म्यूजियम से निकलेंगे. फ्रॉम द म्यूजियम्स या प्रोजेक्टर शो और भाषण आदि से निकलेंगे. और फ्रॉम द प्रोजेक्टर शोज एंड द लेक्चर्स एटसेट्रा. मेले मनाखड़े से निकलेंगे. विल द इमर्ज फ्रॉम द फेयर्स? प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलेंगे. विल द इमर्ज फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस? कैसे निकलेंगे? हाउ विल द इमर्ज? जब म्यूजियम चैतन्य बनाएंगे तो वारसदार निकलेंगे. वेन वी अवर्सेल्व्स बिकम एंड मेक अदर्स लिविंग म्यूजियम्स देन द एयर्स विल इमर्ज. प्रदर्शनी में निकलती है प्रजा. द सब्जेक्ट्स इमर्ज फ्रॉम द एग्जीबिशंस. मेले में निकलते हैं मेले. द डर्टी वंस इमर्ज फ्रॉम द फेयर्स. कॉन्फ्रेंस आदि से निकलते हैं विदेशी. फॉरिनर्स इमर्ज फ्रॉम द कॉन्फ्रेंसेस एंड सो ऑन. क्योंकि जब तक ब्रह्मा बाबा साकार में मौजूद रहे तब तक कॉन्फ्रेंस आदि नहीं होती थी. बिकॉज अंटिल ब्रह्मा बाबा वॉज प्रेजेंट इन द कॉर्पोरियल फॉर्म द कॉन्फ्रेंसेस एटसेट्रा वर नॉट ऑर्गेनाइज. वो विदेशी चर्च में चर्चा बहुत करते हैं. दोज फॉरिनर्स डिस्कस अ लॉट इन द चर्चेस. लेकिन रिजल्ट नहीं निकल पाता. बट नो रिजल्ट कम्स आउट. तो म्यूजियम खोलो ताकि वारसदार निकले. सो ओपन म्यूजियम्स सो दैट एयर्स कम आउट. बहुत आएंगे. मेनी विल कम. तुमको कहीं जाने आने की दरकार नहीं पड़ेगी. देर विल बी नो नीड फॉर यू टू गो एनी वेयर. प्रदर्शनी में तो जाना आना पड़ता है. इन द एग्जीबिशंस यू हैव टू गो टू एंड फ्रो. प्रदर्शनी होती है चलने वाली. द एग्जीबिशंस आर मोबाइल. और म्यूजियम होता है स्थायी. एंड द म्यूजियम्स आर फिक्स्ड. तो जिनका बुद्धि योग एकाग्र होगा वो फिर स्थायी म्यूजियम खोलेंगे. सो दोज हुज इंटेलेक्ट इज फोकस्ड विल ओपन अ फिक्स्ड म्यूजियम. निमंत्रण देने की भी दरकार नहीं पड़ेगी. देर विल बी नो नीड इवन टू इन्वाइट पीपल. स्वतः ही लोग चारों ओर से खींच करके म्यूजियम देखने के लिए आते रहेंगे. पीपल विल ऑटोमेटिकली बी अट्रैक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर एंड दे विल कीप कमिंग टू सी द म्यूजियम. बहुत आएंगे. मेनी विल कम. सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं ना. सर्कस शोज आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज इन द बिग सिटीज आरंट दे. तो क्या सर्कस खोलना है? सो डू वी हैव टू ओपन अ सर्कस? हैं? सर्कस वाले तो करिश्मा दिखाते हैं. द सर्कस पीपल शो वंडर्स. तुमको कोई करिश्मा दिखाना है क्या? डू यू हैव टू शो एनी मिरेकल? हाँ करिश्मा दिखाना है. यस यू हैव टू शो अ मिरेकल. कौन सा करिश्मा? व्हाट मिरेकल? वो सन्यासी तो कहते हैं क्या कि घर गृहस्थ में रहते पवित्र नहीं बना जा सकता. What do those sannyasis say that it is impossible to become pure by living in a household? कर्म करते कर्मेंद्रियों में लगाव पैदा न हो ये काम नहीं हो सकता. It isn't possible to avoid the development of attachment in the karmendriya, meaning parts of the body used to perform actions and sense organs while performing actions. और तुम क्या कहते हो? एंड वॉट डू यू से? हम कहते हैं कि कर्म करते कर्म इंद्रियों से लगाव से परे रहकर बुद्धि से रहा जा सकता है. वी से दैट इट इज पॉसिबल टू कीप द इंटेलेक्ट डिटेच्ड फ्रॉम द कर्म इंद्रिया व्हाइल परफॉर्मिंग एक्शंस. प्रवृत्ति मार्ग में रहते भी हम निवृत्त रह सकते हैं बुद्धि. इवन व्हाइल लिविंग इन द हाउस होल्ड पाथ वी कैन रिमेन डिटेच्ड थ्रू द इंटेलेक्ट. मन बुद्धि के ऊपर कोई लेखेप न लगे. द माइंड एंड इंटेलेक्ट शुडंट बी इन्फ्लुएंस्ड. ऐसी स्टेज बन जाए कर्मातीत. द स्टेज शुड बिकम लाइक दैट. इट शुड बिकम कर्मातीत. कर्म करते हुए भी कर्म का आकर्षण हमको खींच न सके. इवन व्हाइल परफॉर्मिंग एक्शंस द अट्रैक्शन ऑफ द एक्शंस शुडंट पुल अस. ऐसा करके खोल के दिखाओ. ओपन सच अ सर्कस एंड शो दैट इट इज पॉसिबल. तुम बोला बड़े बड़े शहरों में सर्कस खोलते हैं. सो इट हैज बीन सेड दैट सर्कस आर ऑर्गेनाइज्ड इन बिग सिटीज. छोटे शहरों में तो सर्कस पता नहीं आते. सर्कस शोज डोंट कम टू स्मॉल सिटीज टू दैट एक्सटेंट.
कितना उनके पास सामान रहता है? दे हैव सो मच मटेरियल विद देम। है दिल्ली में जाओ तो लाल किले के पास सर्कस खुला ही रहता है। इफ यू गो टू दिल्ली द सर्कस नियर द रेड फोर्ट लाल किला इज ऑलवेज ओपन। अभी सर्कस नहीं बना होगा तुम्हें दिखाई पड़ता है। समवन मस्ट हैव सेड समथिंग। इट माइट नॉट हैव बिकम अ सर्कस येट। इट अपियर्स लाइक दैट टू यू। सर्कस ही आओगी। इट मस्ट बी अ स्मॉल सर्कस। गांव गांव से लोग देखने के लिए आते हैं। पीपल फ्रॉम वेरियस विलेजेस कम टू सी इट। हाँ, उसको कहते हैं बड़ा सर्कस। यस दैट इज कॉल्ड अ बिग सर्कस। छोटे मोटे गांव माने गीता पाठशालाएं हैं। स्मॉल विलेज मीन्स दे आर गीता पाठशालास मीनिंग गीता स्कूल। ब्राह्मण की दुनिया के गांव कौन से? गीता पाठशाला। इन द वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मिन्स व्हाट आर विलेजेस? गीता पाठशालास। ठीक है, तुमने 78 की वाणी में बोला था। इट हैड बीन सेड इन द वाणी ऑफ द ईयर 78 कि ज्ञान सागर बाप है। दैट द फादर इज द ओशन ऑफ नॉलेज। नदियों का और सागर का मेल होता है कलकत्ते। द रिवर्स एंड द ओशन मीट इन कलकत्ता। दिल्ली में ज्ञान सागर बाप जा देंगे तो वहाँ भी नदियों और सागर का मेला होगा। इफ द ओशन ऑफ नॉलेज मीनिंग द फादर गोज टू दिल्ली देन द मीटिंग ऑफ द रिवर्स एंड द ओशन विल टेक प्लेस देयर टू। दिल्ली जैसे गांव नहीं हो सकता है। इट कैन बी पॉसिबल ओनली इन अ विलेज लाइक दिल्ली। ऐसे मुरली ने बोला। इट हैज बीन सेड सो इन द मुरली। तो दिल्ली गांव हुआ क्या? सो इज दिल्ली अ विलेज? है दिल्ली तो बड़ा शहर है। दिल्ली इज अ बिग सिटी। तो बाबा ने उस समय इशारा किया कोई गीता पाठशाला है। सो बाबा मस्ट हैव गिवन अ हिंट एट दैट टाइम सेइंग दैट देयर इज अ गीता पाठशाला इन दिल्ली। जिस गीता पाठशाला में वो सागर और ब्रह्मपुत्र का मेल होता है। वेयर दैट ओशन एंड द रिवर ब्रह्मपुत्र मीट। तो यहाँ सर्कस की बात है। सो हियर इट इज अबाउट द सर्कस। गांव गांव से लोग देखने के लिए आते हैं। पीपल फ्रॉम वेरियस विलेजेस कम टू सी इट। इसलिए बाबा कहते हैं तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ जो देख करके खुश हो जाए। दैट इज वाई बाबा सेज यू टू कंस्ट्रक्ट सच ए ब्यूटीफुल म्यूजियम सो दैट पीपल फील हैप्पी जस्ट बाई सीइंग इट। फिर औरों को जाकर के सुनाए। एंड देन दे गो एंड टेल द अदर्स। क्या वॉट अव्यक्तवाणी में क्या बोला इसी बात के पैरेलल में? वॉट हैज बीन सेड इन द अव्यक्तवाणी इन पैरेलल टू दिस? मिनी मधुबन बनाओ। सेट अप मिनी मधुबन्स। जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे फिर सबको दिल होगी देखने। वेर एवर यू सेट अप मिनी मधुबन्स बाप दादा विल कम देन एवरी वन विल विश टू सी इट। जैसे सर्कस देखने की सबकी दिल होती है ऐसे ही सबकी दिल होगी देखने की। जस्ट एज एवरी वन विशेज टू सी अ सर्कस शो सिमिलरली एवरी वन विल बी इंटरेस्टेड टू सी द मिनी मधुबन्स। पता ही लोग खींचे चले आएंगे। पीपल विल कम अट्रैक्टेड ऑटोमेटिकली। ये भी समझते हैं जो कुछ सर्विस होती है कल पहले मिसल होती है। इट इज ऑल्सो अंडरस्टूड दैट वॉट एवर सर्विस हैपन्स इट हैपन्स लाइक इन द प्रीवियस साइकिल। परंतु सत्व प्रधान बनने का होना बहुत रखना है। बट यू शुड बी वेरी कंसर्न टू बिकम सत्व प्रधान। वॉट हैज बीन सेड? ऐसी म्यूजियम की या सर्कस जैसी सर्विस होने के लिए फॉर द सेक ऑफ द सर्विस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सच अ म्यूजियम और सर्कस लाइक मिनी मधुबन सत्व प्रधान होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू बिकम सत्व प्रधान। इतने ही बच्चे गफलत करते हैं। द चिल्ड्रन कमिट मिस्टेक्स ओनली इन दिस एस्पेक्ट। माया की गंदगी इसी आदि की यात्रा में ही डालती है। माया डज क्रिएट ऑब्स्टेकल्स ऑन दिस जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस इटसेल्फ। अपने दिल से पूछना। यू मस्ट आस्क योर ओन हार्ट। इतना हमको शौक है। डू आई हैव सो मच इंटरेस्ट। मेहनत करते हैं। डू आई मेक एफर्ट सत्व प्रधान बनने की जैसे बाप समझाते हैं। लाइक हाउ द फादर एक्सप्लेन्स टू बिकम सत्व प्रधान। ज्ञान तो कॉमन बात है। नॉलेज इज अ कॉमन थिंग। बाप देगा 84 करके कोई समझा न सके।
Nobody except the father can explain the cycle of 84 births. बाकी याद की यात्रा है वो. But the journey of remembrance is the main thing. पिछाड़ी में कोई भी याद ना है. सिवाय एक बात. In the end, you shouldn't remember anyone except the one father. डायरेक्शन तो बाप पूरे देते रहते हैं. The father keeps giving complete directions. मल माया सामना करती है. मुख्य बात है याद करने की. Although Maya confronts us, the main thing is remembrance. सन्यासी तो ये सिखलाए न सके. The sannyasis cannot teach this. तुम कोई को भी समझा सकते हो. You can explain to anyone. बल कोई भी हो. No matter who it is. तुम सिर्फ बैज पर दिखाओ. Just show it on the badge. और कोई के पास ऐसे अर्थसहित मेडल नहीं होते. Nobody else has such meaningful medals. ऐसा मेडल बनाओ. What kind of a medal should you prepare? अनर्थ वाला नहीं. Not the meaningless one. किसी ने लेकर ब्रह्मा का चित्र दे दिया तीनों मूर्तियों में. In which you show Brahma's picture in all the three places, in all the three figures. नहीं. No. तुम ओरिजिनल चित्र रखो. Keep the original picture. और उसका एक्यूरेट अर्थ समझाओ. And explain its accurate meaning. मिलिट्री को मेडल बहुत मिलते हैं. Military people get a lot of medals. दादा. What has been said? ये भी रूहानी मिलिट्री है. This is also a spiritual military, army. तो बाप की जो रूहानी मिलिट्री है उनको मेडल त्रिमूर्ति का मेडल जरूर मिलना चाहिए. So, the spiritual military of the father should certainly get the medal of the Trimurti. अगर त्रिमूर्ति का मेडल नहीं. If there is no medal of the Trimurti, तो फिर रूहानी मिलिट्री भी नहीं कही जा सकती. It cannot be called a spiritual military either. तो बुद्धि में वो मेडल बैठ गया है. So, has that medal sat in the intellect? बुद्धि की पॉकेट में वो मेडल मिला कि नहीं मिला. Is that medal available or not in your pocket like intellect? अगर मिला. If you have it, तो रूहानी मिलिट्री का सिपाही है. You are a soldier of the spiritual military. और नहीं तो सिपाही नहीं है. Otherwise, you are not a soldier. अच्छा अच्छा काम करते हैं तो उनको मेडल मिलते हैं. Well, those who do a good work obtain a medal. राय साहब का मेडल सब देखेंगे उनको वायसराय से टाइटल मिला. The medal of Rai Sahab. Everyone will see that he has received a title from the Viceroy. कौन सा टाइटल मिला? Which title has he received? Rai Sahab. Rai Sahab. कौन सा साहब? Which Sahab? राय देने वाला साहब. The Sahab who gives advice. Rai. और कितने मेडल मिला? And who gave the medal? Viceroy. The Viceroy. आगे Viceroy होते थे. Earlier, there used to be Viceroys in British India. Yeah? What? हाँ. Yes. अभी तो उनके पास भी कोई पावर नहीं. Now they too don't have any power. क्योंकि विशेष राय हो गए. Because they have become vicious Rai. अभी तो कितने झगड़े लगे पड़े. Now there are so many disputes going on. मनुष्य बहुत हो गए हैं तो उनके लिए जमीन चाहिए शहर में. There are many human beings, so some land is required for them in the cities. अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे. Now Baba is establishing heaven. इतने सात खलास हो बाकी कितने थोड़े जाकर के रहेंगे. So many will perish and very few will remain. तीसरा पेज. Third page. जमीन ढेर होगी. There will be a lot of land. वहाँ तो सब कुछ नया होगा. There everything will be new. उस नई दुनिया में चलने के लिए फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है. You should make good purusharth to go to that new world. हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं बहुत ऊंची पद पाने का. Every human being makes purusharth to achieve a very high position. कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो समझते ना पास हो जाएंगे. If someone doesn't make complete purusharth, it is understood that they will fail. खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे. They themselves also feel we will fail. फिर पढ़ाई आदि को छोड़ करके नौकरी में लग जाते हैं. Then they discontinue the studies etc. and start doing jobs. आजकल तो नौकरियों में भी बहुत कड़े कायदे निकालते हैं. Nowadays, very strict rules are framed in jobs too. दिन प्रतिदिन नौकरी के लिए भी कड़े कायदे निकालते रहते हैं. Day by day, they keep framing stricter rules for jobs too. मनुष्य बहुत दुखी. People are very sorrowful. अब तो नौकरी भी सहज नहीं मिलती. They think
नाउ वी डोंट इवन गेट जॉब्स इजीली। अब बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 जन्म का भी दुख का नाम नहीं रहेगा। नाउ बाबा शोज यू सच अ पाथ दैट देयर वोंट इवन बी द नेम ऑफ सोरो फॉर 21 बर्थ्स। बाप कहते हैं सिर्फ याद की यात्रा में रहो। द फादर सेज जस्ट रिमेन इन द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस। जितना हो सके रात को बहुत अच्छा है। एज मच एज पॉसिबल इट इज गुड टू रिमेम्बर एट नाइट। बल लेटे हुए याद करो। यू मे लाई डाउन इन बेड एंड रिमेम्बर। सिर्फ सो मत जाना। जस्ट डोंट डोज ऑफ। यहाँ तो बैठे बैठे भी सो जाते। हियर चिल्ड्रन फॉल अस्लीप इवन व्हाइल सिटिंग। कहते हैं हमें बाप मिला। दे से दैट दे हैव फाउंड द फादर। और सामने बैठ के सो जाते। एंड दे डोज ऑफ व्हाइल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो बल लेटे हुए याद करो। कोई को फिर नींद आ जाती है। सो यू मे लाई डाउन इन बेड एंड रिमेम्बर देन सम फील स्लीपी। बूढ़ा होगा जाके बैठ नहीं सकेगा। इफ समवन इज ओल्ड ही वोंट बी एबल टू सिट फॉर लॉन्ग। तो जरूर सो जाएगा। देन ही विल सर्टनली फॉल अस्लीप। लेटे हुए बाप को याद करते रहेंगे बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी। इफ यू कीप रिमेम्बरिंग द फादर व्हाइल लाइंग डाउन यू विल फील वेरी जॉयफुल विद इन। और सो जाएंगे याद करते करते खुदा न खास्ता सो गए तो खुशी सारी खत्म। एंड इफ यू फॉल अस्लीप व्हाइल रिमेम्बरिंग इफ बाय चांस यू फॉल अस्लीप देन ऑल द जॉय विल एंड। तो अंदर में खुशी होनी चाहिए क्योंकि बहुत कमाई है ये तो समझते हैं टाइम पड़ा है परंतु मौत का कोई ठिकाना नहीं है। सो यू शुड फील जॉयफुल विद इन बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ इनकम इन्वॉल्व। यू सर्टनली फील दैट देर इज स्टिल टाइम बट डेथ इज अनप्रेडिक्टेबल। तो बात समझाते हैं मूल है याद की यात्रा। सो द फादर एक्सप्लेन्स द मेन थिंग इज द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस। बाहर शहर में तो बहुत मुश्किल है। आउटसाइड इन द सिटी इट इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ आते हैं तो बड़ा अच्छा चांस मिलता है। हियर व्हेन यू कम यू गेट अ वेरी गुड चांस। कोई फिक्र आपकी बात नहीं। देर इज नथिंग टू वरी। इसलिए यहाँ चार्ट बढ़ाते रहो। दैट इज वाई कीप इम्प्रूविंग द चार्ट हियर। तुम्हारे कैरेक्टर भी इससे सुधरते जाएंगे। योर कैरेक्टर विल ऑल्सो कीप इम्प्रूविंग बाय दिस। इससे बाय वॉट। जितना जाती याद की यात्रा का चार्ट बढ़ेगा तो करेक्टर अपने आप ही सुधरेगा। द मोर यू इम्प्रूव द चार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस द मोर योर कैरेक्टर विल इम्प्रूव ऑटोमेटिकली। परंतु माया बड़ी बेहतर है। बट माया इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है जितना बाहर वालों को। दोज लिविंग एट होम डोंट गिव दैट मच वैल्यू इन इम्प्रूविंग देयर कैरेक्टर एज द आउटसाइडर्स डू। क्या वॉट घर की गंगा का मान नहीं होता। द गैंजेस एट होम इज नॉट गिवन रिगार्ड मीनिंग समथिंग दैट इज इजीली अवेलेबल इज नॉट गिवन इम्पोर्टेंस। फिर भी इस समय गोपों की रिजल्ट अच्छी है। नेवरदलेस द रिजल्ट ऑफ द गोप्स इज बेटर एट प्रेजेंट। गोप्स मीनिंग काउ हर्ड फ्रेंड्स ऑफ कृष्णा। हियर बाबा इज रिफरिंग टू द ब्रदर्स। वाई गोपों की रिजल्ट अच्छी क्यों है। वाई इज द रिजल्ट ऑफ द गोप्स बेटर। मधुबन में गोप भी हैं और मधुबन में गोपियाँ भी हैं। देर आर गोप्स एज वेल एज गोपीज इन मधुबन। गोपीज हर्ड गर्ल्स डिवोटेड टू कृष्णा। हियर बाबा इज रिफरिंग टू द मेडन्स। गोपों की रिजल्ट अच्छी क्यों बताई दी। वाई हैज द रिजल्ट ऑफ द गोप्स बीन मेंशन्ड टू बी बेटर। फिर बोला घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं जितना बाहर वालों को। देन इट हैज बीन सेड दैट दोज लिविंग एट होम डोंट गिव दैट मच वैल्यू इन इम्प्रूविंग देयर कैरेक्टर एज द आउटसाइडर्स डू। गोपों को क्या बाहर रखा जाता है क्या। आर द गोप्स केप्ट आउटसाइड। और गोपियों को अंदर रखा जाता है क्या। एंड आर द गोपीज केप्ट इनसाइड। अभी दो बातें बोली। टू थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड नाउ। घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है जितना बाहर वालों को। दोज लिविंग एट होम डोंट गिव एज मच वैल्यू एज द आउटसाइडर्स। फिर भी इस समय गोपों की रिजल्ट अच्छी है। इवन देन द रिजल्ट ऑफ द गोप्स इज बेटर एट प्रेजेंट। बाहर की गंदा धोरी करते हैं इसलिए रिजल्ट अच्छी रहती है याद की यात्रा ज्यादा रहती है। दे डू अ जॉब आउटसाइड दिस इज वाई देयर रिजल्ट इज बेटर एंड दे रिमेन मोर इन द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस। और अंदर में धंधा धोरी नहीं करते। एंड डोंट द इनसाइडर्स डू एनी जॉब।
हो जाते हैं आराम, हो जाते हैं आराम, बाहर वाले घूमने को मौका नहीं मिल सकता। Someone said they sleep comfortably. They sleep comfortably. Can't those living outside get a chance to sleep? Student, they do a job. They keep running. कई बच्चियाँ लिखती हैं। Many daughters write. शादी के लिए हमें बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें? That they are troubled a lot to get married. What should they do? जो मजबूत sensible बच्चियाँ होंगी वो कभी ऐसे नहीं लिखेंगी। The strong sensible daughters will never write this. क्या? What? कि हमको शादी के लिए तंग किया जाता है। That they are troubled for marriage. मतलब जो शादी के लिए तंग होने की बात लिखती है वो sensible नहीं तो क्या हुई? It means that if those who write about being troubled for marriage aren't sensible, then what are they? Nonsense. Nonsense. लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं ये रीढ़ बकरियाँ हैं। If they write this, Baba understands that they are sheep and goats, reed bakri. है? Reed bakri क्या करती है? What do sheep and goats do? नाम ही रख दिया अजमेर। The very name Ajmer has been given. अजमान? बकरा? Aj means a he goat. मेर माना? भेड़? भेड़ बकरी? Maid means sheep. Sheep and goats. Reed bakri माना? भेड़ बकरी? रीड बकरी means sheep and goats. जहाँ ब्रह्मा की यादगार बनी हुई है जड़। There is the non-living memorial of Brahma there. जड़ यादगार जहाँ बनी होती है ब्रह्मा की, उस शहर का नाम क्या रख देते हैं? What is the name of the city where Brahma's non-living memorial is built? भेड़ बकरियों का देश अजमेर। The place of sheep and goats, अजमेर। तो वहाँ की tendency क्या होती है भेड़ बकरियों की? So, what is the tendency of the sheep and goats of that place? एक जिस रास्ते पर जाएगी, सब उसी रास्ते पर चल पाएंगे। Wherever one goat goes, all the others will start following the same path. उनको अपनी अकल नहीं होती। They don't have an intellect of their own. अरे, बाबा आया हुआ है। अरे, बाबा has come. तो ये बाबा से पूछना चाहिएगा हम क्या करें? कन्याओं को। So, should they? The maidens ask Baba, what should I do? कन्याओं को पूछना चाहिए हम क्या करें, हमारी शादी हो रही। Should the maidens ask, I am being married, what should I do? Powerful होगी तो क्या करेगी? If she is powerful, what will she do? शिव की शक्ति होगी तो क्या करेगी? If she is a शक्ति of Shiv, what will she do? हा? सामना करेगी? सामना क्या करेगी? Someone must have said something. Will she confront them? How will she confront them? हाँ, शिव की शक्ति होगी तो शिव के पीछे आएगी। Student said something. Yes, if she is a शक्ति of Shiv, meaning consort of Shiv, she will follow Shiv. इसमें पूछने की क्या बात? What is the need to ask Baba in this situation? पूछते हैं, माना दिल है अंदर। If they ask, it means that they have the thought within. कि बाबा परमिशन दे दें, तो हमारी शादी हो जाए। That if Baba gives permission, they can get married. ये तो अपने हाथ में है जीवन बचाना। It is in their own hands to save their life. इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं। There are many kinds of sorrow in this world. अब बाबा तो बहुत सहज बता। Well, Baba tells you in a very easy way. तुम बच्चे तो महान भाग्यशाली हो। You children are very fortunate. जो आकर के शहजादे बन गए। That you have come here and become princes. साहबजादे बन गए। You have become the sahib's sons. बाप कितना ऊंच बनाते। The father makes you so great. और तुम मुझे गाली देते हो, तो भी कच्ची गाली। And you insult me, that too in a crude manner. समझते नहीं हो। You don't understand. इतने तमोप्रधान बने हो जो बात मत पूछो। You have become so tamopradhan that just don't ask. इससे जाति और क्या सहन करेंगे? How much more can anyone tolerate? कहते हैं जाति तंग करेंगे तो खत्म कर देंगे। He says, if you trouble me more, I will finish you. तो ये बाप बैठ समझाते हैं। So, the father sits and explains this. क्या गाली देते हो? Which abuse do you throw at me? हैं? कच्ची गाली कौन सी देते हो? What crude abuse do you throw at me? पत्थर ठिकर में भगवान, जिनकी बुद्धि पत्थराई हुई है। You say that
गॉड इज इन स्टोन्स एंड ब्लॉक्स ऑफ मड, मीनिंग दोज हुज इंटेलेक्ट हैज बिकम लाइक अ स्टोन। यानी के पॉइंट बाप की पहचान बुद्धि में बैठती नहीं। द पॉइंट्स ऑफ नॉलेज, द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर डजंट सिट इन द इंटेलेक्ट। आंख रहे पड़े हैं फिर भी बुद्धि में बाप की पहचान नहीं। ऑल्दो दे आर लिविंग टूगेदर विद द फादर, द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर इजंट इन द इंटेलेक्ट। घर की गंगा का मान नहीं, सामने बैठ के सो लेते हैं। दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर द वॉटर ऑफ द गैंजेस दैट इज अवेलेबल एट होम, दे सिट इन फ्रंट ऑफ द फादर एंड स्लीप। तो इसका मतलब बाप उनको मिला है या नहीं मिला है? सो इट मीन्स हैव दे फाउंड द फादर और नॉट। क्या कहें? वॉट मस्ट बी सेड? मुझे कच्ची गाली देते। यू थ्रो क्रूड अब्यूज एट मी। समझते नहीं है, इतने समो प्रधान बने हो जो बात मत पूछो। यू डोंट अंडरस्टैंड, यू हैव बिकम सो तमो प्रधान, जस्ट डोंट आस्क अबाउट इट। इससे जाति और क्या सहन करेंगे? वॉट मोर कैन समवन टॉलरेट? कौन? हु? बाबा। इज इट बाबा? शिव ज्योति बिंदु भी सहन करता है क्या? डज द पॉइंट ऑफ लाइट शिव टू टॉलरेट? साकार के लिए कहे तो ठीक भी है तो वो सहन करता है। If it is said for the corporeal one, then it is still right that he tolerates. कहते हैं ना, जाति तंग करेंगे तो खत्म कर देंगे। He says, doesn't he? If you trouble me more, I will finish you. क्या खत्म कर देंगे? What will he finish? हत्या वत्या कर देंगे क्या? Will he kill them? यहाँ खत्म होना किसे कहा जाता है? What does finish mean here? ज्ञान में अनिश्चय हो जाए तो मर गए। If someone loses faith on the knowledge, he dies. अब ज्ञान में निश्चय है तो जिंदा है। And if he has faith on the knowledge, he is alive. तो ये बाप बैठ समझाते हैं। So the father sits and explains this. ये तो बहुत अच्छी बात बताई क्या? This is a very good thing that has been told. What? ये खत्म कर देंगे। That I will finish you. शास्त्रों में तो कहानियाँ लिख दी हैं। Stories have been written in the scriptures. बाप कुछ ऐसी परीक्षा तो लेता होगा फिर। Then the father must be testing the children in such a way. मुझे परीक्षा में पास पास नहीं हो सकते तो चले जाते। When they can't pass in that test, they go away. तो बाबा युक्ति बहुत सहज बतलाते हैं, कर्म करते हुए याद करो। So, Baba tells us a very easy tactic. Remember me while performing actions. इसमें बहुत बहुत फायदा है। There is a lot of benefit in it. सवेरे आकर के याद में बैठो, बहुत मजा आएगा। Come and sit in remembrance early in the morning. You will enjoy it a lot. परंतु इतना शौक नहीं है। But they don't have so much interest. टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं, ये फेल हो जाएंगे। A teacher understands from the behavior of the student that he will fail. बाप भी समझते हैं ये फेल हो जाएंगे। The father understands as well that they will fail. तो भी कल प्रंतान करके लिए। That too for every cycle. मन बाथरूम में तो बहुत होशियार। Although they are very clever in giving lectures. Yeah. What? वाणी बहुत अच्छी चलती है। They narrate a very good वाणी। प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं। They also explain in the exhibitions. परंतु याद नहीं। But they don't remember. इसमें फेल हो करते हैं। They fail in this. डिसरिगार्ड भी बहुत करते हैं। They also give a lot of disregard. किसका? To whom? बाप का। Is it to the father? अपना ही करते हैं। They disregard themselves. डिसरिगार्ड बाप का नहीं करते हैं, लेकिन अपना ही करते हैं। They don't disregard the father, but themselves. शिव बाबा का तो डिसरिगार्ड होता ही नहीं। There is no disregard for शिव बाबा. फिर किसका होता है? Then who is disregarded? है? शिव बाबा का डिसरिगार्ड नहीं होता तो किसका होता है? If it isn't शिव बाबा's disregard, then whose disregard is it? है? खुद का होता है, खुद का कैसे होता है? There is disregard for the self. How is there disregard for the self? अरे ये कहा जाए कि शिव बाबा जिसमें प्रवेश करता है उसका डिसरिगार्ड होता है। अरे इट कैन बी सेड दैट देयर इज डिसरिगार्ड फॉर द वन इन हुम शिव बाबा एंटर्स। उसके साथ अनेक जन्मों का हिसाब किताब बनता है, शूटिंग होती है। समवन फॉर्म्स कार्मिक अकाउंट्स एंड परफॉर्म्स द शूटिंग ऑफ मेनी बर्थ्स विद हिम। तो यहाँ तो शूटिंग पीरियड है। सो हियर इट इज द शूटिंग पीरियड। और द्वापर कलयुग में डिसरिगार्ड होता है, सत्य त्रेता में तो डिसरिगार्ड भी।
बात ही नहीं. एंड देर इज डिसरिगार्ड इन द कॉपर एज एंड द आयरन एज. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिसरिगार्ड इन द गोल्डन एज एंड द सिल्वर एज एट ऑल. यहाँ अगर डिसरिगार्ड के संस्कार पड़े तो वहाँ भी डिसरिगार्ड करेंगे. इफ समवन डेवलप्स द संस्कार ऑफ डिसरिगार्ड हियर देन ही विल डिसरिगार्ड हिम देर एज वेल. और वहाँ तो जिस तन में बाप प्रवेश करते हैं वो तो राजा. एंड देर द बॉडी इन विच द फादर एंटर्स विल बी द बॉडी ऑफ अ किंग. और राजा का अगर कोई डिसरिगार्ड करे तो क्या होगा. एंड इफ एनीवन डिसरिगार्ड्स अ किंग व्हाट विल हैपन. तो खला खत्म. देन ही इज फिनिश्ड. तो कौन से बाप कहते हैं खत्म कर देंगे. सो विच फादर सेज आई विल फिनिश यू. ये कौन से बाप ने कहा खत्म कर देंगे. विच फादर सेड आई विल फिनिश यू. शिव ज्योति बिंदु बाप ने कहा आत्माओं के बाप ने कहा. डिड द पॉइंट ऑफ लाइट फादर शिव से दिस. डिड द फादर ऑफ द सोल से दिस. या मनुष्यों के बाप ने कहा प्रजापिता ने. और डिड द फादर ऑफ द ह्यूमन बींग्स प्रजापिता से दिस. ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हमको फुर्सत नहीं है बाप को याद करने की. नोबडी कैन से दैट दे डोंट हैव टाइम टू रिमेम्बर द फादर. बाबा मानेंगे नहीं. बाबा वोंट बिलीव इट. स्नान पर भी याद कर सकते हो. यू कैन रिमेम्बर इवन वाइल बेथिंग. भोजन खाते हो बाप को याद करो. रिमेम्बर द फादर वाइल यू आर ईटिंग. बहुत कमाई है. देर इज अ लॉट ऑफ इनकम. कई बच्चे से तो भाषण में नामी ग्रामी है. मेनी चिल्ड्रन आर जस्ट फेमस इन गिविंग लेक्चर्स. योग में नहीं. एंड नॉट इन योग. तो वो अहंकार भी गिराए देता है. सो दैट ईगो इटसेल्फ ब्रिंग्स देयर डाउनफॉल. कौन सा अहंकार. विच ईगो. हम ज्ञान में बहुत होशियार. द थॉट दैट दे आर वेरी क्लेवर इन नॉलेज. ज्ञान में होशियार होना कोई बड़ी बात नहीं है. इट इजंट अ बिग डील टू बी क्लेवर इन नॉलेज. लेकिन याद की यात्रा में परिपक्व होना चाहिए. बट वी शुड बी मैच्योर इन द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस. अच्छा मीठे मीठे चिकिले बच्चों से मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग. रिमेम्बरेंस लव एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द मदर द फादर एंड बाप दादा टू द स्वीट लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चिल्ड्रन. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. ग्रीटिंग्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल फादर टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन. ओम शांति.